Hey guys, hello and welcome to the channel. कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सो करते हैं आपको आज का व्लॉग में वेलकम। तो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त फुरकान मुख्तार। सो आज ना एक अनएक्सपेक्टेड प्लान बनाएं कि आज हम जाएंगे शूट पर। काफ़ी महीनों के बाद मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं शूट पर। अब बस बने रहें व्लॉग में, आगे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अभी हमको जाना है पहले जुरपारा, क्योंकि वहाँ से हमको पकड़ना है कैमरा। और उमर भाई को भी उधर थोड़ा काम है, वो भी अपना काम कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपनी लोकेशन की तरफ आराम से, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। सो फाइनली गाइस, काम भी हो चुका है और मैंने भी कैमरा पकड़ा है और अब हम करेंगे आराम से अपनी जर्नी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे राफेल, तो इसके बाद करेंगे हम अपनी जर्नी आराम से स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, रफिल भी हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं अपनी लोकेशन की तरफ आराम से ही, क्योंकि सर्दी ना बहुत है, बहुत हद से भी ज़्यादा सर्दी है। अभी हमको चलना है आराम आराम से। सो अभी ना 20 की स्पीड से हम चल रहे हैं। अब बस बने रहे व्लॉग में और आज ये बताना कि आज का व्लॉग कैसा बनाए। और अभी हम आपको मिलते हैं सीधे कनाडा। तो जी गाइस, ये रहा कनेलवन का मार्केट और ये छोटा ही मार्केट है, बट इसमें ना अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ मिल सकता है आपको यहाँ। सो अभी हम करेंगे अपना आगे का सफर स्टार्ट। अब बस बने रहे ब्लॉग में। गाइस अभी जहाँ पर हम हैं इसको एप्पल टाउन कहते हैं। इधर ना आप देख ही सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। अभी ना पेड़ों पर ही है, सेब अभी पेड़ों पे ही है। काफ़ी फैसिनेट करता है टूरिस्ट को, आप ये देख सकते हैं। सो अगर आपको पहली बार कश्मीर आना है सो एप्पल वैली आपको ज़रूर ट्राई देखना चाहिए। सो अभी ना हम करेंगे अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट। आप बस बने रहें। तो जी गाइस, हम पहुंच गए हैं अभी श्री गुफारा। और इधर ना मुझे थोड़ा काम है, क्योंकि मैंने ना तो मुझे मास्क है और ना ग्लव्स। पहले मैं लाऊंगा मास्क और ग्लव्स, अब बस बने रहें। तो जी गाइस, ये मिल चुके हैं हमें मास्क और ग्लव्स। अब हम इनसे पकड़ेंगे और निकलेंगे लोकेशन की तरफ आराम। तो जी गाइस, फाइनली हमने श्री गुफारा का पुलिस स्टेशन भी क्रॉस कर लिया है। उनको ये डर था कि पुलिस वाले पकड़ेंगे, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। और यहाँ ना JK पुलिस ना बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए है उधर करते हैं ये सब कुछ। अभी हम निकलने वाले अपनी लोकेशन की तरफ। तो आप बस बने रहे व्लॉग में। और आगे ना बहुत अच्छा व्यू आ रखा है। सो ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रखा है। मैं आपको मिलूँगा सीधे सदर शेखपुरा के रोड पर। और आप बस बने रहे। सो जी गाइस, ये है सल्लर शेखपुरा का रोड। ये सल्लर से ही थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये शांगस में आता है, अनंतनाग के शांगस में आता है ये। सो यहाँ पर ना लिटरली जहन्नम से भी बदतर लाइफ है। यहाँ पर सिर्फ 308 फैमिलीज रहती है। और अगर यहाँ की लिटरेसी की बात की जाए वो है 85% लिटरेसी रेट। सो इसमें से 60% मैन है और 30% वुमेन आते हैं। सो 2011 में जो सेंसेशन हुई थी उसमें से इधर 2258 मेल्स है और 2568 वुमेन। सो अभी हम जाने वाले हैं थोड़ा आगे। मैं उतरा बाइक से, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी। और आप ये देख सकते हो सामने का व्यू, उमर भाई भी जा रहे हैं आगे और मैं जाऊँगा उधर तक पैदल। तो देखें कितना अच्छा व्यू आ रखा है। यहाँ मैपल ट्रीज, यहाँ पर ना मैपल ट्रीज बहुत पाए जाते हैं, आप ये देख ही सकते होंगे। सो अभी भी लिटरली यहाँ पर एक फुट, लगभग एक फुट बर्फ तो ज़रूर होगी।
सो अगर जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा सर्दी भी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा स्नो भी आपको देखने को मिलेगा। सो आप बस बने रहे व्लॉग में। सो अभी वो बंदे जा रहे हैं ऊपर, आप देख ही सकते हो वो थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे आपके लिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी ना मैं चढ़ा हूँ बाइक पर क्योंकि वो ऊपर चले गए हैं ज़्यादा। सो ये देखिए मैपल के ट्रीज। सो गाइज इधर ना लिटरली बहुत अच्छी लोकेशन है, मगर समर्स के लिए, विंटर्स के लिए ये जगह ठीक नहीं। ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको आना है विंटर्स में भी यहाँ, बट फुल्ली प्रिपेयर होके आना क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा सर्दी मैंने कभी नहीं देखी, लगभग -5 तो लिटरली होगा ही होगा। और मैंने बस सिर्फ जैकेट और उसके अंदर एक टी शर्ट पहनी है, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पहना है। सो अभी हम जाने वाले हैं ऊपर। सो फाइनली गाइस लुक एट द व्यू, लिटरली यार एडवेंचरिंग व्यू आ रहा है इधर। सो अभी ये बंदे उठाएंगे फोटो, तब तक आप यहाँ के नज़ारे के लुत्फ लीजिए। सो मैपल ट्रीज देखिए कितने ग्रीन आ रहे हैं। सो जी गाइस लिटरली यहाँ पर ना सच्ची में मजा है, बट समर्स में आज इधर आना ये खुद को ना सीधे मौत के मुंह में चले जाना। ये देखें उठा रहे हैं फोटो। सो जी गाइज ये देखिए सामने ये है बंदर। मैं सामने नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब ये देख सकते हो बंदर कितने। 5 minutes later. सो जी गाइज फाइनली फोटो शूट भी हो चुका है और अभी हम जाने वाले अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि लिटरली गाइज इतनी ज्यादा सर्दी मैंने ना कभी नहीं देखी है। ये मैं कहता हूँ आपको कि विंटर्स में अगर आपको आना भी हो, गाड़ी में आना, बाइक पर कभी नहीं। अगर सुसाइड करने आना हो सो बाइक पर आप आ सकते हो। सो लिटरली ना गाइस बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी यहाँ, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। मेरे ना हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ये सब करना पड़ता है। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलते रहें हर एक अपडेट सबसे पहले, और शेयर करते रहे अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स दे सके। सो अभी ना हम जाने वाले हैं घर। सो बता देना कि आज का ये व्लॉग कैसा बना है, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लिटरली जान से जाने का खतरा था यार। अगर हम जल्दी ना निकल होते ना तो लिटरली हमारी मौत हो जाती इधर। तो वो सामने के दो बंदों ने तो फेरन पहना था, लेकिन मैंने और उमर ने फेरन नहीं पहना था, इसीलिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। सो लुक एट द नेचर, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से घर। सो मिलते हैं आपसे और एक नए अच्छे वीडियो में, तब तक दीजिए अपनी बाई को इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।